सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की शादी की तैयारियां अरूज पर। सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की शादी साथ साथ रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के दो दिन बाद ही जबरदस्त किस्म की फाइट। सारी तफसील में आपको बताता हूँ इस वीडियो में। मुकम्मल जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि आलिया भट्ट की शादी हो चुकी है। शादी के फौरन बाद ही इन दोनों के दरमियान बहुत ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हुई। लड़ाई की क्या वजूहात हैं, आए जान लेते हैं। आलिया भट्ट ने शादी के दो दिन के बाद सेलिब्रिटीज़ के लिए बहुत बड़ा फंक्शन रखा, जिसमें तकरीबन सारी सेलिब्रिटीज़ ने शिरकत की, जिनमें शाहरुख खान, काजल, संजय दत्त, अजय देवगन और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ने शिरकत की। मगर इन सब के दरमियान सलमान खान कहीं भी नज़र नहीं आए। जब आलिया भट्ट को पता चला कि सलमान खान को रणबीर कपूर ने इन्वाइट नहीं किया तो आलिया भट्ट को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा बहस मुबासा हुआ। खबरें हैं कि रणबीर कपूर और सलमान खान के दरमियान बहुत ज़्यादा क्लैशेस थे। सोनम कपूर की शादी पर ऋषि कपूर और सलमान खान का आपस में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इनकी पूरी फैमिली सलमान खान की फैमिली के साथ बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी। लेकिन आलिया भट्ट और सलमान खान की आपस में बहुत गहरी दोस्ती बताई जा रही है। आलिया भट्ट चाहती थी कि सलमान खान को भी इस फंक्शन में ज़रूर इनवाइट किया जाता, लेकिन रणबीर कपूर ने जानबूझकर सलमान खान को इनवाइट नहीं किया, जिसकी वजह से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। तो फ्रेंड, क्या आपको आलिया भट्ट और सलमान खान की दोस्ती के बारे में पहले से पता था? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट।